सभी को धन्यवाद। मुद्दा है जो दिल्ली में हमारे पहलवान जो बच्चे बैठे हुए हैं उसी संबंध में खाप पंचायतों की मीटिंग हरियाणा में महम चौबीसी में 21 तारीख की रखी हुई है। यहां से भी उत्तर प्रदेश से जो खाप पंचायत के प्रतिनिधि हैं वे वहां पे जाएंगे। हरियाणा से भी सभी खापों के लोग वहां पे आएंगे। चौबीसी के चबूतरे पे ये मीटिंग होगी और आगे का निर्णय वहां पे लिया जाएगा, क्योंकि मामला है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी ना हो जिन बच्चों ने एलिगेशन लगाए हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक पुलिस प्रशासन पूछताछ नहीं करता, ये धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर चला हुआ है। आगे की जो भी रणनीति होगी खाप पंचायतों की, हम महम में इसका फैसला लेंगे। कुछ पत्रकार बंधु भी उल्टे सुधे सवाल पूछ के केस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। नरेश टिकैत के पास में भी बहुत पत्रकार वहां पे जाते हैं, किस किस को मने करें और वो एक एक वो कितने क्वेश्चन करते हैं, समाज उसका गलत असर लगाता है। यहां पे यूपी और हरियाणा करने की कोशिश करी जाती है, बहुत से अखाड़े बहुत से जो पहलवान हैं वे गांव में जाते हैं, वे अपना पक्ष रखते हैं, कहते जी हरियाणा का फायदा हो रहा है यूपी का नुकसान हो रहा। तो जो इस तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं समाज में, ये पहले जातियों में इसको बांट रहे हैं इस आंदोलन को, फिर ये स्टेट में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लड़कियों के साथ में हैं, पहले भी उनके साथ में थे और आज भी हम उनके साथ में हैं। उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ में रहेंगे। बहुत से लोग जो अपने संगठन के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको इलेक्शन लड़ने हैं, वे इन मुद्दों को हवा देने का काम करते हैं। वे वही लोग हैं जो संयुक्त मोर्चे को तोड़ने का काम करा, वे वही लोग हैं। उन पे ज्यादा फॉर्म पर ध्यान ना दें, जो भी वहां पे फैसला होगा, जो भी खाप पंचायतों का फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला पहलवानों की कमेटी बनी हुई है। हमने ये कहा है कि पहलवान जिससे भी बात करनी है अपनी कमेटी उनकी बात करें, हम उनके साथ में हैं, हमारा अपना कोई निर्णय नहीं है। 21 तारीख में सब लोग वहां पे पहुंचे, इधर से भी बहुत लोग वहां पे जाएंगे और लोग भी वहां पे पहुंचे, हम लोग भी वहां पे आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय खाप पंचायत। जय हरियाणा।